ये कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का आज हम उदाहरण दूसरा पढ़ेंगे। उदाहरण दूसरा आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक आकृति दी गई है। ये यहाँ पर हमको यहाँ पर एक आकृति दी गई है। इस आकृति का हमको पूरा एरिया ज्ञात करना है। इस पूरे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है यहां पर हमको ये ज्ञात करके लेकर के आना है। और ये ब्लॉक किस टाइप का है आपको बता दूं मैं, एक डब्बा है, एक घन के आकार का एक डब्बा है। एक घन के आकार का क्या है? डब्बा है। कहीं डब्बा है किसी के पास? हाँ, चौक का डब्बा रखा था ना, देखो जैसे कि ये डब्बा हो गया, ये यहां पर आपका डब्बा हो गया है। इस टाइप का डब्बा है, घन के आकार का क्या है? एक डब्बा है डब्बा, ये घन के आकार का डब्बा हो गया है, ये हो गया डब्बा, क्लियर है? हो गया डब्बा। इस डब्बे के ऊपरी भाग में एक आधा गोला लगा हुआ है, अर्ध गोला लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है? अर्ध गोला लगा हुआ है, अर्ध गोला है ना। ये डब्बा हो गया, हो गया डब्बा। ये डब्बे का चित्र है, डब्बा मतलब घन। क्या है ये? घन। ये घन का चित्र है, घन। क्यूब होता है, क्यूब खेलते हो वो रंग बिरंगे होते हैं, उसमें रंग वो कलर जमाना पड़ता था घुमा करके, ऐसा है ना, क्यूब बोलते उसको। ये क्यूब है, ये क्यूब है। उस क्यूब के ऊपर भाग में ऊपर वाली जो सतह है, ऊपरी सतह, ऊपर की जो सतह है उस पर आधा गोला ला करके अपन ने आरोपित कर दिए। क्या आरोपित कर दिए अपन ने? अर्ध गोला ला करके अपन ने अध्यारोपित कर दिए है, क्लियर है? है ना, आधा गोला ला करके अपन ने उसमें अध्यारोपित कर दिए है। देखो, आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाले दो ठोसों से मिलकर बना है। दो ठोस, पहला ठोस डब्बा ये, अच्छा डिजाइन वाला गिफ्ट, मतलब किसी गिफ्ट दे रहे अपन, है ना, आ रहा समझ में? सजावट के लिए ये है ना, ये अच्छा बिल्कुल लेकर के अपन ने आए। एक अच्छा ठोस इधर से लेकर के आए, गोला वाला अर्ध गोला लेकर के आए अपन ने, है ना, और सजाने के लिए अपन ने बिल्कुल ये लेकर के आया, अच्छा कलाकारी दिखा करके अपन उसको उसके ऊपर अपन ने ज्वाइंट कर दिए, क्लियर है, ज्वाइंट कर दिए। इसमें एक घन है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये घन है। क्या है नीचे वाला? घन है। तथा दूसरा अर्ध गोला, इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर का एक घन है। और दूसरा यहां पर अर्ध गोला लगा हुआ है, आधा गोला काट करके अपन ने इसके ऊपर ला करके यहां पर चिपका दिए, बिठाल दिए, क्लियर। अर्ध गोला ला करके अपन ने क्या कर दिए? बिठाल दिए। ये अर्ध गोला है, आधा गोला ला करके अपन ने घन के ब्लॉक के ऊपर ला करके बिठाल दिए है। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर का एक घन है। ये जो घन है, ये जो घन है, इसकी कोर मतलब भुजा है, मतलब किनारे। घन के तीन किनारे होते हैं। घन के कितने किनारे होते हैं? तीन होते हैं। जैसे कि ये हो गया है, ये घन मान लो उसको, है ना, एक किनारा ये वाला हो गया, एक किनारा ये वाला हो गया, दूसरा किनारा ये वाला हो गया, और तीसरा ये वाला हो गया। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 5, है ना, सब बराबर रहते हैं उसमें। तो उसका याला किनारा भी 5 सेंटीमीटर का है, ये वाला 5 सेंटीमीटर का है, और एक अंदर की ओर होता है। ये अंदर वाला किनारा भी कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है। घन के तीनों के तीनों किनारे कितने हैं? 5 सेंटीमीटर के हैं। और उसके ऊपर लगे हुए अर्ध गोले का व्यास, इसके ऊपर जो अर्ध गोला लगा हुआ है उसका व्यास, व्यास किसको बोलते हैं? जैसे कि गोला का आधार हो गया है, तो यहाँ से ले, है ना, तो ये इतनी पूरी लंबाई, ये अर्धगोले का पूरा व्यास कितना है आपका? 4.2 सेंटीमीटर है अर्धगोले का व्यास। मतलब इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक की आपकी जो लंबाई है वो कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर है, क्लियर है? कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया है यहाँ पर आपका? 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां पर यह कहा जा रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा एरिया,
ये जो ब्लॉक है इसका ये वाला इधर का एरिया, इधर का एरिया, नीचे का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, और इतना, और ये गोले का पूरा सरफेस, और ये इतना, ये पूरा एरिया ज्ञात करना है। करना है ज्ञात हमको, यहाँ पर क्या करना है, पूरा का पूरा एरिया ज्ञात करना है। यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर मुझे तीन क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा जो घन है, जो मेरा डब्बा है, जो मेरा घन है, सबसे पहले मुझे उस घन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा घन का क्षेत्रफल। फिर जो मेरा घन का क्षेत्रफल निकला, तो उसका जो ऊपर की जो एक सतह है, उसके ऊपर की जो क्या है, अरे घन का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, पूरा एरिया निकाल लिया घन का, निकाल ली क्षेत्रफल। फिर उसके बाद जो घन के ऊपर की जो सतह है, जो सरफेस ऊपर वाली सतह, उसमें से जितनी जगह वो गोले ने घेरा है उसका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो गोला इस टाइप से आया है ना। जैसे कि एक सतह ये हो गई, हो गई सतह, इसके ऊपर ला करके मैंने कोई गोला ला कर रख दिया, रख दिया तो उसने तो इतनी जगह घेर लिया है, अब वो तो पृष्ठ की सतह होगी नहीं, इसलिए उसका क्षेत्रफल घन में से माइनस कर देंगे। और ऊपर जो अर्ध गोला लाकर के अपन ने जोड़े हैं, ऊपर जो अपन ने क्या लाके जोड़े हैं, जो अपन ने अर्ध गोला लाकर के जोड़े हैं, जो अर्ध गोला लाए है ना, उस अर्ध गोले का जो ऊपर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको उसमें हम जोड़ देंगे, तो पूरी इस आकृति का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। सबसे पहले घन का क्षेत्रफल निकालना है, फिर घन के क्षेत्रफल में से ऊपर वाली सतह में जो वृत्ताकार भाग, जो वृत्ताकार भाग है ना, जिसके वृत्ताकार भाग पे अर्धगोला लाकर रखेंगे ना, मतलब कि एक डब्बा, उसके ऊपर तुमने घमेला लाकर के जमा दिए, तो घमेला ने जितना गोल गोल स्थान घेरा है उसका क्षेत्रफल अपन ने माइनस कर दिए, वृत्त का क्षेत्रफल अपन ने घटा दिए, और उस पर लाकर के अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लाकर के अपन ने जोड़ दिए, तो अपने पूरे ब्लॉक का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, घन का क्षेत्रफल। यहां पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर लिखेंगे यहां पर हम, दिया है घन की भुजा, इस घन की भुजा, यहां लिखेंगे हम दिया है, दिया है क्या, दिया है घन की भुजा, घन की कोर, घन की कोर ए बराबर कितना दिया है यहां पर आपका, 5 सेंटीमीटर दी गई है, दी गई है घन की कोर 5 सेंटीमीटर। अब मैं निकाल रहा हूं पूरे घन का एरिया, पूरा सरफेस कितना है, पूरा मतलब कि पूरा क्षेत्रफल कितना है ना। अब घन का निकालूंगा मैं क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। भुजा यहां पर आपकी ए है, तो ए है भुजा यहां पर आपकी 6 गुणित 1 की घात 2। अब 6 का हो गया 6 गुणा, भुजा ए का मान कितना दिया गया है, भुजा ए का मान 5 दिया गया है, तो ए का मान कितना रख दूंगा मैं 5, घात 2 का घात 2। अब 6 का हो गया 6 गुणा 5 का वर्ग 25 हो गया, और 25 छक्के 150। और हमेशा क्षेत्रफल वर्ग के रूप में आता है, हमारी यहां पर इकाई सेंटीमीटर है, तो हमेशा ये वर्ग के रूप में, सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में निकल करके आएगा हमारा क्षेत्रफल। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका जो आया है, ये क्या निकला आपका, पूरे घन का क्षेत्रफल निकल गया, निकल गया। अब इसके बाद यहां पर अर्धगोला, देखो अर्धगोला मतलब अपना ये घन हो गया, इधर की एक ऊपर वाली सतह हो गई, उस ऐसा ऐसा ऐसा, और नीचे पेंदा, और एक दीवार इस तरफ, जो ऊपर वाला जो है उसके ऊपर ला करके मैंने अर्धगोला ला के जमाया हूँ। अर्धगोला आधा गोला मतलब घमेला होता है ऐसा, अर्धगोला रहेगा ना घमेला भी, आधा गोला उसको अपन ला ओंधा दिए वहाँ पर लाके ला दिए, तो ये अर्धगोला हो गया। तो अर्धगोले का जो आधार है वो पृष्ठ में नहीं आएगा, तो अर्धगोले का आधार अपन को घटाना पड़ेगा, वो पृष्ठ में नहीं गिना जाएगा, उसको पृष्ठ में क्या गिना जाता है, जो सिर्फ बाहरी होता है उसको पृष्ठ में गिना जाएगा। तो घन की जो ऊपरी सतह है उसमें अर्धगोला लाकर के अपन ने जमाए है, नहीं आया समझ में, अर्धगोला लाकर के अपन ने उसमें जमाए है, तो अर्धगोले का जो आधार है
उसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो हमको अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और अर्धगोले का आधार कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। वृत्त मतलब रोटी के आकार का होता है, उत्तर स्थान उसने घेर लिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब मैं निकाल रहा हूँ अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। एक काम करता हूँ, संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। किसका निकाल लेता हूँ, संपूर्ण। देखो, तथा अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर दिया है। व्यास इतना दिया है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास का यदि मैं आधा कर दूंगा तो क्या निकल करके आ जाएगी, त्रिज्या निकल करके आ जाएगी, रेडियस निकल के आ जाएगी। अब मैं निकाल रहा हूं यहां पर क्या, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास की आधी। व्यास कितना है आपका, 4.2 है, तो 4.2 की आधी आपकी क्या निकल के जाएगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। भाग दो, दो दुनी दशमलव का, दो एक कम सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या निकल के आ गई, त्रिज्या आर। त्रिज्या आर का मान आ गया 2.1 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल। इसमें ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल सवाल रहते हैं कि भाई इसके ऊपर अर्धगोला लगाया अपन ने, मतलब पहले घन का निकाल लो, फिर यहाँ पर इतनी जगह इसने घेरा है उसको माइनस कर दो। देखो ये जी सतह जो है ना, ये सतह मैंने यहाँ पर ये बना दिया। अब इसके ऊपर तुमने अर्धगोला ला करके जमाए हो ऐसा, तो इतनी जगह तो वो सरफेस में नहीं आएगी ना, ऊपर वाला भले गिना जाएगा, लेकिन इतनी जगह जहाँ पर ला कर तुमने ब्लॉक जमा दी उसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये क्या अर्धगोले का आधार है ना, इसको घटाना पड़ेगा, और जो गोले के ऊपरी सतह दूरी उसको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो अब पूरे ब्लॉक का निकाल रहा हूँ, पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल। सबसे पहले आएगा आपका घन का क्षेत्रफल। ब्लॉक में क्या क्या शामिल है, ब्लॉक में शामिल है घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। घन के क्षेत्रफल में से क्या घटाना पड़ेगा, इस घन के क्षेत्रफल में से अर्ध गोले का जो आधार है, जो पेंदा है, अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यहां से हमको घटाना पड़ेगा। घन का क्षेत्रफल होगा, घन के क्षेत्रफल में से जो अर्धगोले का जो आधार है वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि अर्धगोले का जो आधार है वो सरफेस में नहीं आता है, अर्धगोला लाके जमा दिए ना। जैसे कि ये मेरी हथेली है, हथेली के ऊपर मैंने मार्कर रख दिया, हथेली के ऊपर मैंने मार्कर रख दिया, तो मार्कर ने यहाँ से इतनी लाइन घेर लिया, वो सरफेस में नहीं आएगी। तो हथेली का क्षेत्रफल निकाल लूँगा, फिर इतना घटाऊंगा और इसको जोड़ दूंगा जो ऊपर आया वाला है, क्लियर। घटाना पड़ेगा माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। और इसमें जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ मतलब कि जो ऊपर का जो एरिया होता है उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अर्धगोला आपका ये हो गया है, ये आपका जो अर्धगोला हो गया है, ये जो आपका अर्धगोला है, गोला अर्धगोला, अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ है, जो ऊपर वाली सतह है, उसको हम लाके जोड़ देंगे, क्योंकि वो ये इसको हम जोड़ देंगे, ये होता है वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ, इसको लाके हम जोड़ देंगे। धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, धन के निकाल लेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का क्षेत्रफल कितना निकाले आपने, घन का क्षेत्रफल निकाले आपने 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घन का क्षेत्रफल यहां पर रख दूंगा मैं 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का हो गया माइनस। अब अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो आधार है वो वृत्ताकार होगा ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। धन का हो गया धन। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने कल भी बताया था अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr की घात 2। अर्धगोले का निकालेंगे तो आधा कर देंगे, 4 का आधा 2 πr की घात 2। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा आपका,
टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब 150 को अगर 150 माइनस का माइनस, पाई यहां पर भी है और पाई यहां पर भी है, दोनों पदों में से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, पाई कॉमन निकाल लिया। आर यहां पर भी है, आर यहां पर भी, दोनों पदों से मैंने आर भी कॉमन निकाल लिया। अब यहां से पाई भी कॉमन निकल गया है और यहां से क्या कॉमन निकल गया आपका, आर भी कॉमन निकल गया है, निकल गया है। पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर ऋण का और दो पाई आर स्क्वायर धन का। दो लड़के में से एक लड़का गया, कितने लड़के बचे, एक लड़के बचे, तो दो पाई आर स्क्वायर में से जब हम एक पाई आर स्क्वायर को हटाएंगे तो कितने पाई आर स्क्वायर बचेंगे, एक पाई आर स्क्वायर बचेगा। बड़ी संख्या धन की है तो चिन्ह काय का आएगा, धन का आएगा। क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में, ये है ना। अब देखो बराबर का हो गया, बराबर 150 का 150, धन का धन, पाई का मान 3.14 कहीं पर दिया है क्या, नहीं दिया है, तो पाई का मान कितना रखेंगे अपन, 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या आर का मान है आपका 2.1 सेंटीमीटर। अब भी निकाले अपन ने तो यहाँ रख देंगे 2.1 सेंटीमीटर और आर की घात दो, मतलब इसकी भी घात कितनी जाएगी आपकी, दो निकल करके आ जाएगी। घात कितनी निकल के जाएगी, दो निकल करके आ जाएगी। इतना उतारो जल्दी से, सब ने उतार लिए, जल्दी से नोट करो, इतना कर लिए नोट। अब देखो बराबर ब्लॉक का क्षेत्रफल बराबर कितना है आपका 150 का 150 धन, 22/7 का हो गया 22/7 गुणा 2.1 की घात दो है, इसको मतलब इसका दो बार गुणा हो रहा है, 2.1 गुणा 2.1 हो गया दो बार मल्टीप्लाई। अब काटेंगे इसको बराबर 150 का 150 धन 22/7 का हो गया 22/7, यहाँ हो जाएगा आपका 21/1, एक संख्या के पहले दशमलव मतलब 10 गुणा, यह हो जाएगा आपका 21/1, एक संख्या के पहले दशमलव मतलब 10, 7 × 1=7, 7 × 3=21। अब 150 का हो गया 150 धन, मल्टीप्लाई करेंगे 22 का हो गया 22 गुणा का हो गया गुणा 21 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1=3, 3 × 2=6, 63 बटा का हो गया बटा 100 × 10 × 10 धाम कितना हो गया आपका 100 हो गया। क्लियर है? अब इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने क्या मान लिया, एक मान लिया बराबर। इसको भी मत करो, पहले अपन इसी को हल कर लेते, काम करते कैसे भी करो तो आंसर आना ही है। 150 का हो कितना 150 धन। अब 22 और 63 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 22 × 3=66, 66 × 6 = 6। क्लियर? और 22 छिक्के कितने जाएगा, 22 छिक्के कहाँ 120, 22 छिक्के 22 छिक्के 132, 132 और 6 = 138 इतनी है। क्लियर? बटा का हो गया बटा और 100 का हो गया 100 बराबर 150 का 100 धन। 2 0 लगे हैं, मतलब 2 संख्या के पहले यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13.86। अब जोड़ देंगे दशमलव के पहले, संख्या से संख्या जुड़ जाएगी, दशमलव वाले को छोड़ दो, 150 और 13 कितना जाएगा 163। 163 का होगा 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपके पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल। आ गया आंसर, ये निकल गया आपका संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल, लिख देंगे अतः संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल आपका 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिख दो अतः संपूर्ण ब्लॉक, अतः संपूर्ण ब्लॉक का क्षेत्रफल बराबर क्या 163.86
सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो गया आपका आंसर, कॉपी में नोट करो उसको।